हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डेली व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा। आज मेरे साथ है एज यूजुअल मेरा भाई लक्ष्य चौहान टाउन इन द हाउस। और आज की वीडियो के लिए हम जा रहे हैं बिमरा 4x4। ये बेसिकली क्या है, गैराज है ना? हाँ, मतलब मॉडिफिकेशंस की शॉप है। हम पहले कभी गए नहीं है, लेकिन हमने काफी सारी मतलब यूट्यूब वीडियोस में देखा है जो लोग मतलब दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। कार मॉडिफिकेशन शॉप। हाँ, कार आई थिंक वो सिर्फ थार की और आईसुजू की मॉडिफिकेशन मतलब करते हैं। गाड़ियाँ उनपे वही आती है। हाँ, बट आई थिंक उन दोनों, क्योंकि मैंने उनकी बुकलेट देखी थी, उसमें सिर्फ वही दोनों कार्स का था। अच्छा। बाकी हम वहाँ जाके आपको और बताते हैं। वैसे तो आई थिंक वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बट सिंस उनके पास अभी तक कोई व्हाइट थार आई नहीं है, तो हम आज मतलब बेसिकली सैंपल देने जा रहे हैं उनको, जैसे वो कलर वलर देख पाए कि अगर हमें फ्यूचर में वहां से कुछ भी करवाना है। तो हमने सोचा विल जस्ट गो इन विजिट द शॉप, एक बार देख के आते हैं क्या क्या ऑफर करते हैं वो, क्या एक्सेसरीज हैं। और उद्योग विहार में ही है, तो इट्स क्लोज टू वेयर वी लिव, तो हमने सोचा एक बार देख आते हैं। तो चलते हैं, आ जाओ बिमरा 4x4। बिमरा 4x4 के रास्ते में मारवा का घर है, तो हमने सोचा मारवा को भी पिक कर ले हम पहले जाने से पहले। अभी तक हमारा एक टैंक गाड़ी चल चुकी है 600, कितना हो गया 603 किलोमीटर टोटल। तो अभी हमें रिफिल भी करवाना है, और पहले हमने मारवा को पिक कर लिया है। सबको हाय बोल दे, मेरे फैंस हैं सारे। अच्छा। ये इसका पूरा फाइट है यार, एक बार जब भी कोई पीछे आता है तो खड़े होना पड़ता है, बट ये भी है भाई धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। अभी थोड़ा अच्छा बिमरा फोर में जोर पड़ता है हमेशा उतरने में। बिमरा फोर में फोर गूगल मैप्स पे लगा दो। चलो लेट्स गो। हां, वर्कशॉप में जो भी है इसमें पहले से भी होगा। हाँ, 4-5 लीटर बचा होगा, 4-5 लीटर पहले का बचा होगा। बाकी रेट आप देख लो 89.95 है। तो हमने सेकंड टाइम उसका टैंक फुल करवा लिया है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा शोरूम ने डाल के दिया था, थोड़ा हमने डाला, तो माइलेज मतलब इतने अच्छे से कैलकुलेट हो नहीं पाई, वही 13-15 के बीच में हमें लग रही है। लेकिन इस बार हमने पूरा स्टार्टिंग से फुल टैंक करवाया है और रीसेट कर दिया अपनी ट्रिप। तो इस बार देखते हैं, हमारी पूरी सिटी ड्राइविंग ही है, तो जितना हमारा मतलब फर्स्ट टैंक के हिसाब से तो हमें लग रहा है 14-15 की माइलेज है सिटी में, विच इज काफी अच्छी है। क्या महिंद्रा पता नहीं कितना क्लेम करती है, 17-18 या कितना। हाईवे पे थोड़ी ज्यादा है कि जब ट्रिप पे जाएंगे जब देखेंगे। हाँ, और अभी फर्स्ट सर्विस भी होनी है इसके, 600 हो गए हैं इसके, और 400 किलोमीटर के बाद 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस है। हाँ, फिर हो सकता है बेटर थोड़ा परफॉर्म करे। एक वार्निंग साइन भी आ गया इसमें शुरू से ही, हमें पता भी नहीं क्या है। अच्छा, और थोड़ी वाइब्रेशन से भी आ रही है गाड़ी में, आइडल जब गाड़ी होती है। तो अभी हम कुछ ज्यादा वरी कर नहीं रहे हैं, जब अभी पहली सर्विसिंग होगी तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है, फिर आपको अपडेट देते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं बिमरा, पेट्रोल भरवा लिया और मारवा को भी उठा लिया। बिमरा आ गए हैं हम, और यहाँ पे ये काफी एक सेक्सी थार खड़ी है, बाइक ही है ये। अंदर से इसके इंटीरियर देखते हैं, बाहर से काफी सेक्सी लग रही है। वाह, अनरियल लग रही है एकदम। अंदर बैठ जाओ। ओह वाओ, नाइस, कितनी सही लग रही है ना। सही में पीछे देखो, इसमें ये आर्मरेस्ट है साइड में, और सीट कवर्स इतने सेक्सी हैं, पूरी थीम इसकी। यहाँ की रूफ भी पूरी ऑरेंज है इसकी। वाओ, इसमें ये वेंट्स भी लगे हुए हैं एएमजी वाले। क्रेजी है, काफी सिक है, बहुत बढ़िया लग रही है, मजा आ गया पूरा। अच्छा, ये आपका जो क्रोम भी आपने करवाया ना पूरा, ये भी बहुत अच्छा मतलब बढ़िया लग रहा है एकदम, हर एक जगह है। ग्रिल भी है ये आगे चेंज। अच्छा, ये आपने वो यूएफओ वाली मार्कर लाइट्स लगाई हैं। लाइट्स और हेडलाइट्स और बैक लाइट्स। अच्छा, अच्छा। डैम्पिंग भी हुआ है पूरी गाड़ी में। वेट फील हो रहा है डोर में। डोर में आप अपना डोर क्लोज करो और ये करो। मेरे को पिक्चर का फील आ रहा है, डैम्पिंग इस तरह लगी। सीट्स आप कहां से कह रहे हो, कहां से करवाई है आपने? फरीदाबाद में। अच्छा, सूरज कुंड है। हां जी, तो वो है एक होटल है वहां पे गोल्डफिंच।
अच्छा, तो पहला इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है वहाँ पे, कार डेकोर के नाम से दुकान है। अच्छा, उस पे विजय, फिटिंग तो बहुत बढ़िया हो रखी है, विजय नाम है उनका। हाँ। 9811855000 नंबर है उनका। अच्छा, विजय बैसला कार डेकोर के नाम से। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं। वीडियो देखी है बैसला? नहीं, ये कोई और, वो शॉप का ओनर बता रहे हैं, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में। कवर का भी है उनका और उसका भी है। अच्छा। अच्छी क्वालिटी, एक साल में आपने 47,000 चला दी। तीन चार बार जा चुके हैं ले लेता है। और कहाँ कहाँ घूमा है आप लोग? और बाकी यहाँ भी राजस्थान भी गए हैं। अच्छा, ये तो कोई ट्रिप नहीं गिनते हम की, इतना पास है। छोटा मोटा, ये तो छोटे मोटे। अच्छा, लेकिन पे बिमरा की हम उससे देख रहे थे बुकलेट में, आगे हुड वेंट्स भी हैं, वो आपने देखे? अच्छा, एक्चुअली बाहर आप काम, इट्स योर चॉइस, अगर आपको अंदर आपको खुद फील लेना है पैसे लगा के कि आपको बाहर दिखाना है। हाँ, आपका तो दोनों में इक्वल पैसे लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है, अंदर भी बाहर भी। अभी आज क्या करवाने आए आप? चूज़ी हूँ मैं से, मैं तो अभी इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ठीक कराने आए ना लगे। म्यूजिक की? नहीं, बटन जाते ना। अच्छा, ये लाइट्स आप एक बार ऑन करके दिखाओगे प्लीज, ऊपर वाली? दिन में मतलब दिखती है या ये रात के लिए है? अच्छा, अच्छा, तो रात को तो निकल के आती होंगे ये अच्छे से। ज्यादा चीजें छोड़ी नहीं आप तो, ये शौकीन भाई हैं, ये एक साल में ऑलमोस्ट 50K कर चुके हैं एंड उन्होंने 4-5 लाख बता रहे हैं कि गाड़ी में लगा दी, और आपको दिख भी रहा होगा काफी लोग क्लेम करते हैं उन्होंने 4-5 लाख लगा दिए हैं, लेकिन दिस इज आफ्टर, ये बता रहे हैं कि इनकी जान पहचान की दुकान है। ये देखो, ये रात के लोग है, अभी दिन में लाइट्स नहीं पता चल रही, बहुत सेक्सी लग रही है यार। सैशे की वायरिंग बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये पंप की वायरिंग बहुत जीरो ऑक्सीजन के साथ है वो वायरिंग। अच्छा, सही लग रही है आपकी लाइट तो, बढ़िया लुक आ रही है। अच्छा, आपने वो बाकी ऑक्सिलरी लाइट्स और वो सब ओवर हो जाता है थोड़ा, है ना? इतना अच्छा लग रहा है, क्लासी लग रही है। हाँ, नंबर ले लो आप।
टायर्स में भी आप डिफरेंस देखो, उन्होंने टायर्स चेंज करवाए हैं, ज़्यादा ब्रॉड है और कह रहे हैं स्टेबल भी हो गई है, स्टॉक टायर्स हैं जो आते हैं। आप ये देखो स्कॉर्पियन का ये बता रहे हैं, पूरे लोगो है, अगर कितने डिटेल में देखोगे आप कितना सेक्सी लग रहा है। पीछे भी जो ऑक्सिलरी व्हील है यही सेम है, काफी प्यारा लग रहा है ये। और इनकी बैक लाइट्स भी इन्होंने विमला से चेंज करवाई हैं, पीछे वाली जो टेल लाइट्स है दोनों, और आगे की फॉग लैंप्स और फ्रंट लाइट्स एलईडी जो इन्होंने चेंज करवाई है ये विमला से करवाई है। तो उसमें लाइटिंग एकदम परफेक्ट है, वो फालतू की जो आप देखते हो ऑक्सिलरी लाइट्स और एलईडी बार वो सब आई थिंक टू मच लगता है, तो इन्होंने जितना करवाया है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ये देखो कितनी बढ़िया थ्रो है इनकी फॉग लैंप्स की, और डीआरएल्स और हेडलाइट्स पूरा कॉम्बिनेशन अलोंग विद द रूफ लाइट्स काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब परफेक्ट लुक है इन्होंने, पूरा क्रोम का काम सारा। ओके बाय, यहाँ अंदर और थारों पे भी काम चल रहा है, ये आई थिंक एक्वामरीन वाला कलर है ना, अच्छा लग रहा है ये कलर भी, तो काफी ब्लैक और ब्लू के बीच में है कुछ। हाँ, और इसमें भी ये रूफ लाइट्स लगी हुई हैं, काफी अच्छी लग रही है। एक ही ब्लैक थार पे भी काफी हेवी काम चल रहा है, एक और ब्लैक थार है सॉफ्ट टॉप, और इसके तो व्हील्स चेकआउट करो आप कितने क्रेजी हैं, नेगेटिव ऑफसेट के साथ बाहर आते रहे, और स्पोक अलॉयज हैं काफी सेक्सी, और ये कलर भी काफी अच्छा लग रहा है इसका। थोड़ा मैं 360 वॉक अराउंड सा देता हूँ आपको, पीछे देखो आप व्हील कितना प्यारा लग रहा है। अच्छी लग रही है ना काफी, अंदर इसमें अंदर भी काम है, अंदर भी इसमें देखो पूरा जो थाई सपोर्ट है वो एक्सटेंडेड है आगे तक, जो लोग कंप्लेन करते हैं थाई सपोर्ट नहीं है। आर्मरेस्ट भी लगा हुआ है इस कार में, ये भी एक एडिशनल एक्सेसरी है, नेक सपोर्ट, और ये तो काफ़ी कॉमन हो गया आज के डेट में AMG वेंट्स। कार्बन फाइबर का काम हो रखा है इसमें देखो आप स्टीरियो के अराउंड, और वहाँ पे ग्रैब हैंडल पे भी कार्बन फाइबर है, इवन ऑन द डोर यहाँ पे भी कार्बन फाइबर सारी जगह है। महिंद्रा के मैट्स हैं, मैट्स नहीं मतलब ब्लाइंड सॉरी। आगे ग्रिल पूरी चेंज हो गई है, फ्रंट लुक भी देखो कितनी अग्रेसिव और काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये बड़े व्हील्स की वजह से कार कितनी लिफ्ट हो गई है, आई डोंट नो इफ यू कैन सीन द वीडियो, बट इनका ये ओवरलैंडर वाला बम्पर है, आई थिंक बम्पर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, टोइंग हुक्स इन द फ्रंट। तो चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं और अपनी गाड़ी की बात करते हैं। तो ये वर्कशॉप बेसिकली सिर्फ थार एंड आइसुज़ू के लिए है, सो यू कैन सी देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ बम्पर्स, यहाँ पे व्हील्स हैं एंड लॉट ऑफ अलॉयज एज वेल। आज तो हम ये हुड वेंट्स आई थिंक इंस्टॉल करवाएंगे बस रियल क्विक, उसके अलावा ये सारे टोइंग किट्स, इनके पास थार का ऑलमोस्ट 80 पेज का वो है ब्रोशर, सो देयर वर लॉट ऑफ एक्सेसरीज, ये फ्यूल टैंक, जरी कैंस और फ्रंट ग्रिल्स देखो, ये काफ़ी एग्रेसिव सी ग्रिल है, ये तो टिपिकल रैंगलर ग्रिल, और इसमें ये कैलिपर्स के साथ ये काफ़ी अच्छी लग रही है, मैंने पहली बार देखी है। ये क्या, ये देखिए अभी हमें लगवाना है, हम सोच रहे हैं कि वील गेट दिस इन वाइट कलर, तो वो अच्छी लगेगी है ना, देखिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, लुक्स गुड। ये वाला नहीं लगवा सकते बिकॉज 4x2 में 4x4 लिखा हुआ है, ये आर्मरेस्ट है पीछे वाले विद चार्जिंग, ये भी देखा था ना हमने ब्रोशर में, इसकी क्वालिटी अच्छी है।
स्किड प्लेट्स हैं आगे की, ये पीछे की बैक लाइट्स हो गई, रूफ कैरियर्स, एंड देन इवेंचुअली हम ये सनरूफ भी देखेंगे अगर इसमें वाटर लीकेज नहीं होती तो। ये आगे वाली है, आई थिंक इसकी कॉस्ट अराउंड 30K है, और पीछे ऐसी दो सनरूफ लग जाती हैं, तो इफ अगर सेफ्टी इशू नहीं होगा तो मे बी विल गेट दीज इंस्टॉल्ड एज वेल। एंड देन दे हैव दीज ऑक्सिलरी लाइट्स एंड LED बार्स, और सिंस स्टोरेज कम है कार में तो ये बैग्स हैं जो सीट के पीछे लग जाते हैं विच एड्स द स्टोरेज। तो ये एक ओवरव्यू था बेसिकली शॉप का, बाकी अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करवाना है। तो ये हुड वेंट्स का काम स्टार्ट हो गया है, इसमें कुछ ड्रिलिंग विलिंग या कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन का ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ चिपक के काम हो जाता है, तो काफ़ी क्विक मोड है ये। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे लुक आ रही है। तो गाइस हुड वेंट्स लग चुके हैं फाइनली, कमेंट्स में बताना आप सूट कर रहे हैं नहीं कार को। अभी तो हमें भी थोड़े ऑड से लग रहे हैं बिकॉज प्लेन वाइट बोनेट दिखने की आदत हो गई है लास्ट वीक में, बट आई थिंक जब हम इसकी ग्रिल चेंज करवा लेंगे तो ग्रिल चेंज करवाने के बाद टोटल लुक में आई थिंक विल गो टुगेदर, बस निकले ना। कोई नहीं, तो हो गया हमारा आज का मिनी मॉड का काम खत्म। ये आ रही है फाइनल लुक इसकी, अच्छे लग रहे हैं ये, लेट्स जस्ट होप के निकले ना। अभी ये इसकी स्टॉक लाइट्स हैं, सब हैलोजन, सिर्फ DRLs LED हैं, तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट मिशन यही होगा इन लाइट्स को और ग्रिल को चेंज करवाना, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अब हम जा रहे हैं आगे ऋषभ के घर और अपना शाम का सैटरडे प्लान्स कंटिन्यू करेंगे। ये देखो ये हुड वेंट्स गाड़ी के अंदर बैठ के भी दिख रहे हैं, आई थिंक सामने से ज़्यादा अच्छे लोग इनकी अंदर बैठ के आ रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज वीडियो। और यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की वीडियो। जी टाउन मुंडा साइनिंग आउट, बाय।